प्रश्न नंबर पहला, 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सूत्र लगाते हैं हम, a बराबर मूलधन 1+r/100 इंटू एन। तुम्हारा मूलधन कितना दिया है 500, 1+ ब्याज कितना दिया है 10% / 100, कितना वर्ष है 2 वर्ष, करते हैं 500 × 10 = 100। तो 10 का इसमें गुणा करें, 10 × 10 = 11, 11/10 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 11/10, 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे, तो 11 करेंगे कितना आता है 121, 5 × 121। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 6। अब क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्रधन कितना है 605, 605 माइनस मूलधन कितना है 500 है, इसमें घटा देंगे कितना आएगा 105, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा, 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लगाते हैं, a बराबर p(1+r/100)(n)। तो हमारा मूलधन क्या है, p बराबर क्या होता है मूलधन, तो क्या है 400, 1+ कितना है 5%, 5/100 कितना वर्ष है 2 वर्ष, बराबर 400 × 20 = 100, 20 × 20 = 21, 21/20 स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे 21/20, 20 भी सेम कितना होता है 400 होता है, 400 में 400 काट देंगे कितना क्या, कैसे कैसे कितना होता है 441। अब क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्रधन कितना आया था 441, माइनस मूलधन कितना है 400, अगर 441 में से 400 घटाएंगे कितना आएगा 41 आएगा, तो हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर तीसरा, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। सूत्र लगाते हैं, ए 1+r/100/n, मूलधन कितना है 1000, 1+ वार्षिक ब्याज कितना है 10/100 और वर्ष कितना दिया है 3, तो 1000 × 10 = 100, 10 × 10 = 11, 11/10 क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे 11/10, 11/10, 1 0 2 0 3 0, 3 0 है 3 0 इससे काट देंगे कितना बचा 11 × 121 × 11। अब 121 को 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1331, ये हमारा मिश्रधन आ गया, ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर चौथा, 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तुम सूत्र लगाएंगे, a बराबर p(1+r/100)(n), मूलधन हमारा कितना है 8000, 1+ ब्याज कितना है 10%, सो 3 साल है तो 8000 × 10 = 100, 10 का गुणा करें 10 × 10 एक इधर है तो 10 × 10 = 11, 11/10 क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे 11/10 × 11/10, 3 0 है इसको कहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे 8 × 11 = 121, 121 का 11 गुणा करेंगे कितना आएगा 1331, 1331 इसका 8 × 8 = 24, 8 × 24 = 26, 8 × 8 = 10, 10 × 6 = 48, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर पाँचवा, 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सूत्र लगाते हैं, a बराबर p(1+r/100)(n), तुम्हारा मूलधन कितना है 3000, 1+ ब्याज कितना दिया है 10%, 100 समय कितना दिया है 3000 × 10 = 100, 10 × 10 = 11, 11/10 क्यूब है तुम 3 बार लिखेंगे 11/10 × 11/10, 3 0 है, 3 0 हम इसको हटा देंगे यहाँ से, ये हो गया 3 × 11, 11 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1331 आएगा, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9, 3 ×
तीन, ये हमारा क्या है मिश्रधन आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब क्या करा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्रधन कितना दिया है 3993, 3993 माइनस मूलधन कितना दिया है 3000, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 993। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर छठवा, 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सूत्र लिखते हैं ए बराबर पी 1+R/100 टू एन। तो पी क्या है हमारा, पी मतलब मूलधन, तो 1600 रुपये 1+ समय वार्षिक ब्याज 5% 200, समय कितना दिया है 2, 1600 × 20 × 5 = 100, 20 × 20 = 21, 21/20 × 21/20, 1 0 से 1 0 से 0 ये कट गया, 2 8 16 2 4 8 कितना आया 4 × 21 = 447 कितना है 4 × 4 = 16 × 4 = 16 = 17। अब क्या कह रहा है, ये तो मिश्र धन आया हमारा, क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्र धन कितना है 1764, 1764, और मिश्र धन कितना दिया है सॉरी मूलधन कितना दिया है 1600। अब 1764 को 1600 में घटाएंगे तो कितना आएगा 164 आएगा ना, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर सातवां, 6250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लिखते हैं ए बराबर पी 1+R/100 × n। हमारा मूलधन कितना दिया है 6250, 1+ हमारा वार्षिक ब्याज कितना दिया है 4% 200, समय कितना दिया है 2, 6250 × 25 = 100, 25×25 = 26, 26/25, तो स्क्वायर है तो हम बार दो बार लिखेंगे 26/25, 25×25 = 625, 25×25 कितना आया 10, 26×26 = 676, 10×676 तो कितना आएगा 6760, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्रधन कितना है 6760, तो मूलधन कितना दिया है 6250, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 510, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर आठवां, नसीम ने 5000 रुपये अपने समीप ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया, 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितना रुपये प्राप्त होंगे। तो सूत्र लगाएंगे ए बराबर पी 1+R/100 = n। तो मूलधन हमारा कितना है 5000, 1+ वार्षिक ब्याज कितना दिया है 10 × 200, समय कितना दिया है 3 साल, 5000 × 100, 10×10 = 11/10, क्यूब है तो 3 बार करेंगे लिखेंगे 11/10, 1 0 1 0 1 0 से कट गया, 11×121, 5×11×121, तो इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 1331, तो 5×5, 5×3 = 15, 5×5 = 16, 5×5 = 6, ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर नौवां, हेमलता ने 2500 रुपये डाकघर बचत खाते में जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपये मिले, ब्याज दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। सूत्र लगाएंगे ए बराबर पी 1+R/200 = n। तुम्हारा पी कितना है मतलब मूलधन कितना है 2500, 1+ हमारा वार्षिक ब्याज कितना है 4% 200, समय कितना दिया है 2, 2500 × 25 = 100, 25×25 = 26, 26/25 स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 25, 25×25 कितना है 100 आया, 25×25 = 100, तो 4×26 = 26, 26×26 = 676, तो 6×24
28 दुई 30, 6 6 24 3 27, 2704। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 10। डेविड ने 1600 रुपये का ऋण 2.5% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। तो सूत्र लगाएंगे, ए बराबर मूलधन 1 प्लस ब्याज 100 इंटू समय। तो मूलधन कितना है 1600, 1 प्लस ब्याज कितना है 2.5 इंटू 100, समय कितना दिया है 2 वर्ष। 1600 गुणे दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 चौका 100, 40 हुआ, 40 का 40 से 41, 41/40 तो स्क्वायर है तो हम दो बार लिखेंगे, 41/40, 1 0, 2 0 यहाँ से हटाएंगे, 2 0 यहाँ से हटाएंगे, 4 चौक 16, 4 कन्या 4, तो कितना 41 सेम कितना आएगा 41 गुणे 41 बराबर 1681। 1681 गुणा करके देख लीजिएगा क्या कह रहा है कि ब्याज कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ब्याज भी निकालना पड़ेगा, तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा कितना है 1681 माइनस मूलधन कितना है 1600 है, तो 1681 में से 1600 घटाएंगे कितना आएगा 81 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया।